केंद्रीय मंत्री और बीजेपी झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज देवघर में जिला कार्यालय समिति सहित सभी मोर्चाओं के साथ बैठक की। बैठक में स्थानीय विधायक नारायण दास सारठ, विधायक रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनावी मैदान में कूद जाने की बात कही। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 और 2 सितंबर को सभी जिलों में बैठक होगी और उसके बाद मंडल अध्यक्षों के साथ फिर 8 और 9 सितंबर को बूथ स्तर पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बूथ की सारे कामों को ठीक ढंग से व्यवस्थित भी किया जाएगा। चुनावी समर में मैदान में है, 1 और 2 सितंबर को हमारे सारे जिलों की बैठक हो रही है, इसके बाद मंडल की बैठक और 8 और 9 सितंबर को हम बूथ पर बैठक करके और बूथ के सारे कामों की ठीक ढंग से रचना और व्यवस्था करेंगे। कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं, लवरेज हैं। झारखंड बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना ये सबका संकल्प है। और यहाँ उत्साह को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि देवघर जिले की हम 4 सीटें 3.5 एक आधी दूसरे जिले में भी है, 4 सीटें जीतेंगे। ये बांग्लादेशी पर सर आपने कहा है कि उसको रोकना है।